कक्षा सातवीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य गुरु आसीत। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र ज्ञातक आसीत। चाणक्य नीति कौटिल्यमर्थ शास्त्रज्ञ एतो दृढ़ ग्रंथो प्रसिद्ध स्था। चाणक्य नंदवंशस उन्मूलन कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान। तस्य वचनानि अत्र प्रस्यन्ते। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वे महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के जानकार थे। चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र ये दोनों ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। चाणक्य ने नंदवंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया। उनके वचन यहाँ प्रस्तुत हैं। ये श्लोक दिए गए हैं। इसमें पहला, माता शत्रु पिता वैरी ये वालो न पटता न सोपते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। दूसरा, अधमा धन मिछन्ति धनम मान च मध्यमा उत्तमा मान मिछन्ति मानो ही महता धनम। तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटा स हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। चौथा, सुखार्थी तेजस्य विद्या विद्यार्थी चेतस्य जेते सुखम सुखार्थिनम कुतो विद्या विद्यार्थी कुत स मुखम। पांचवा, तक्षस्य विषम दंते मक्षिका विषम मुखे वृषिका विषम पुंछे सर्वंगे दुर्जनस्तु। छठवा, कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मृत सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। सातवा, एके नापि सुवृक्षेण पुष्पेतेन सुगंधिना वसिता तद्वन सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। ये श्लोक का अर्थ समझा दे रहा हूँ हिंदी में। पहला श्लोक है, माता शत्रु बको यथा, तो उसका अर्थ है वह माता शत्रु है और पिता दुश्मन है जो बच्चे को नहीं पढ़ाते क्योंकि वे सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं देते जैसे हंसों के बीच बकुला। दूसरा, अधमान महता धनम, अर्थ नीचे लोग धन चाहते हैं, नीच लोग धन चाहते हैं, माध्यम लोग धन और सम्मान चाहते हैं, उत्तम लोग इज्जत चाहते हैं क्योंकि सम्मान ही सज्जनों अर्थात बड़े लोगों का धन है। तीसरा, जल बिंदु निपातेन दे धनस्य च, अर्थ जिस प्रकार पानी की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है वह सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है अर्थात सभी विधाएं धर्म और धन भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। चौथा, सुखार्थी निर्देश कुतो सुखम, या तो सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे या विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ व विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है। पांचवा, तक्ष कस्य विषम दे दुर्जनस्तु, अर्थ सर्प के दांत में जहर होता है, मक्खी के सिर पर जहर होता है, बिच्छू की पूंछ डंक में जहर होता है, पर दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति के सभी अंगों में जहर होता है। छठवा, कामधेनु गुणा दैत स्मृतम, अर्थ विद्या कामधेनु के समान हमेशा फल देने वाली है, वह यात्रा में माँ के समान है, विद्या को स्मृति याद में रहने के कारण छिपा हुआ धन कहाँ गया है, यानी विद्या को छिपा हुआ धन कहाँ गया है। सातवा, एक नापी डेस कुलम यथा, अर्थ एक भी अच्छे वृक्ष के सुगंधित फूल गिरने से पूरा वन महक उठता है उसी प्रकार अच्छे पुत्र से खानदान या परिवार प्रसिद्ध होता है। एक पदिन उत्तर, पहला, का सभा मध्य न सोपते, तो उत्तर में निरक्षर बालका। दूसरा, महता धनम किम, तो उत्तर में मान। तीसरा, तक्षकस्य विषम पुत्र वर्तते, तो उत्तर दंते। चौथा, प्रवासे विद्या की दृशी भवति मात्र इस प्रदेशी,
पांचवा रसिकस्य विषम पुत्र वर्तते कुंचे पूछ। छठवा मक्षिकाय विषम कुत्र वर्तते उत्तर मुखे। एक वाक्य उत्तर लिखा है। पहला उत्तम किम इच्छन्ति उत्तर उत्तम मान इच्छन्ति। दूसरा सुखार्थी किम न प्राप्नोति उत्तर सुखार्थी विद्या न प्राप्नोति। तीसरा विद्यार्थी किम न प्राप्नोति उत्तर विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। चौथा विद्या केन कारणेन गुप्त धनम भवति उत्तर विद्या स्मृति कारणेन गुप्त धनम भवति। पांचवा धर्मस्य हेतु किम भवति उत्तर धर्मस्य हेतु क्रमशः प्रयास भवति। रिक्त स्थानानि खाली खाली स्थान भरना। पहला में आएगा पहले में आएगा उत्तम मान इच्छन्ति। दूसरा विद्यार्थी कुत्र सुखम। तीसरा मक्षिकाय मुखे विषम। चौथा सुपुत्रेण खालिस्तान यथा तो आएगा कुलम। पांचवा हंस मध्य खालिस्तान यथा बका। फिर उसके आगे देखो विलोम शब्द लिखना है विलोम शब्द। तो पहला क्या है सुखार्थी तो हो जाएगा दुखार्थी दुर्जना सज्जना सत्यम असत्यम। चौथा गुणा अवगुणा। पांचवा धर्मा अधर्मा। छठवा सुपुत्र कुपुत्र। फिर उसके आगे समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द जो एक से अर्थ रहे तो पहला माता है तो जननी। दूसरा वनम अरण्यम। तीसरा पुत्र सुता। चौथा धनम द्रव्यम। इस प्रकार पाठ चार तुम्हारा समाप्त हुआ। इसके जो एक क्वेश्चन दिया है योजत यानी सही जोड़ी करना वो अपने से तुम लोग कर लेना।